साथियों, जब भी कोई मरीज हीमोडायलिसिस पर शिफ्ट होता है, यानी मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस पर जब शिफ्ट होता है, तो उसको हम एवी फिस्टुला क्रिएशन के लिए रिकमेंडेशन दे देते हैं। या कोई ऐसा मरीज जो किडनी के लास्ट स्टेज में है, या हमको ये पता है कि इसको फ्यूचर में अब डायलिसिस की ज़रूरत पड़ने वाली है और अभी वो डायलिसिस पर नहीं है, तब भी उसको लिए हम एवी फिस्टुला रिकमेंडेशन दे देते हैं कि आप अपना फिस्टुला बनवा लें, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो और जब आपको डायलिसिस की नीड हो तो डायलिसिस आसानी से हो सके। जो हमारा ये जो एवी फिस्टुला होता है, ये हीमोडायलिसिस पेशेंट के लिए लाइफ लाइन होता है। अगर इसमें कहीं से कोई दिक्कत आ जाए या ये बंद हो जाए तो फिर पेशेंट की लाइफ के लिए भी ख़तरा हो सकता है, इसलिए इसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। आज हम बात ये करने वाले हैं कि अगर एवी फिस्टुला बंद हो जाए तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, और अगर जब फिस्टुला बंद होने वाला होता है तो क्या क्या वार्निंग साइन मिलते हैं, और फिस्टुला बंद होने के बाद हम डायलिसिस के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं। देखिए, फिस्टुला बंद होने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो हम नया फिस्टुला को क्रिएट कर दें, और दूसरा, जो पहले से फिस्टुला बना हुआ है उसका हम रिपेयरिंग कर दें, उसको हम रिपेयर कर दें। अब देखिए, जहाँ तक बात नए फिस्टुला की है, तो नया फिस्टुला तो बन सकता है, लेकिन ये हर बार हर पेशेंट में नया फिस्टुला बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कई बार बहुत सारी दिक्कतें होती जिनकी वजह से फिस्टुला नहीं बन सकता हर बार। जैसे किसी पेशेंट की वेन के डायमीटर बहुत कम है, या फिर पेशेंट का वेन बहुत डीप में है, या फिर वेन ही छोटी है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जिन वजह से हर बार हर पेशेंट में नया फिस्टुला नहीं बनाया जा सकता। देखिए, दूसरा तरीका हमारे पास है फिस्टुलोप्लास्टी का, या फिस्टुला रिपेयरिंग का। अब इसमें क्या करते हैं, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें अगर एवी फिस्टुला में कहीं से ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को रिमूव कर लिया जाता है, या अगर हमारा एवी फिस्टुला में कहीं उसकी वेन कहीं नैरो हो गई है तो उसकी उस नैरो वेन को चौड़ा कर दिया जाता है। इसके लिए स्पेशल डिवाइस आती है। काम करने के लिए पहले फिस्टुला का असेसमेंट किया जाता है, उसके लिए डाई का यूज़ कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, सोनोग्राफी कर सकते हैं, तो उसमें ये देख लिया जाता है कि फिस्टुला में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है या फिर फिस्टुला की वेन कहीं से पतली हो गई है या नैरो हो गई है। तो अगर कहीं से वेन नैरो हो गई है तो उसके लिए बैलून का यूज़ करते हैं, एक बैलून लेकर जाते हैं, उसके बाद बैलून को वहाँ पर खुला देते हैं, जिससे वो जो वेन संकरी हो गई थी, नैरो हो गई थी, वो चौड़ी हो जाती है। यानी इनफ्लेटेड बैलून को ले जाते हैं, और अंदर ले जाने के बाद बैलून को डीफ्लेट कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए, तो ब्लॉकेज को रिमूव कर देते हैं, लेकिन अगर ब्लॉकेज हार्ड है तो फिर ब्लॉकेज को मेल्ट करने के लिए, क्लॉट को मेल्ट करने के लिए उसकी पहले मेडिसिन चल जाती है, ताकि वो जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को मेल्ट किया जा सके और फिस्टुला हमारा रिपेयर करके रीस्टोर किया जा सके। अब फिस्टुला ख़राब होने से पहले ना कुछ वार्निंग साइन देता है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ये साइन भी नहीं देता, कोई सिम्टम भी नहीं देता, और ऐसे अचानक से ख़राब हो जाता है। आप सोए और सो के उठे तो आपके हाथ में दर्द हो रहा है और फिस्टुला मालूम पड़ा ख़राब हो गया, या आप डायलिसिस करा गए और घर पे जाने के बाद मालूम पड़ा फिस्टुला अब चल ही नहीं रहा है। बहुत सारी वजह है कि जो बिना साइन सिम्टम के फिस्टुला अचानक से ख़राब हो जाता है। आपको देखिए साइन और सिम्टम मिलेंगे, इसमें क्या मिलेगा कि आपका फ्लो कम हो जाएगा, यानी जिस स्पीड से आपका ब्लड फ्लो पहले मिल रहा था उस स्पीड से ब्लड फ्लो आपका नहीं मिलता है, या फिर ज़्यादा स्पीड रखने पर आपका फिस्टुला सक्शन लेने लगता है, या फिर नीडल के दौरान क्लॉट निकल जाता है। तो अगर ये सब साइन और सिम्टम आपको मिलते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिल लीजिए, ताकि आगे का जो प्रोसेस है वो किया जा सके। हम यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं कि पेशेंट को बोल देते हैं कि आप एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए। खैर, एक्सरसाइज तो बढ़ाना ही है, लेकिन इस बात को अपने डॉक्टर को भी नोटिफाई कर दें, ताकि उसका फिस्टुला ख़राब होने से पहले ही हम लोग रिपेयर कर सकें। क्योंकि अगर जितनी जल्दी फिस्टुला को हम सर्जन से या डॉक्टर से दिखवा लेंगे, उतनी जल्दी उसका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। जितना आप लेट करेंगे तो फिस्टुला फेल्योर का चांस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसमें देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत मिल लेना चाहिए, ताकि अगर कोई मेडिकेशन चलाना हो तो मेडिकेशन चल सके, या कोई और दिक्कत है या रिपेयरिंग का सिस्टम करना हो तो कुछ उसमें रिपेयरिंग कर ली जाए।
अब रही बात डायलिसिस की, तो डायलिसिस को फिर टेम्परेरी कैथेटर से भी किया जा सकता है। तो ये कई बार क्या होता है कि फिस्टुला रिपेयर करने के बाद फौरन फौरन चालू भी हो जाता है, यानी आप जगह चेंज करके फिस्टुला को लगा सकते हैं। लेकिन कई बार अगर उसमें फेल हो गया है या रिपेयरिंग में ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो फिर आप जो टेम्परेरी मेथड है यानी पैर में कैथेटर डाल के डायलिसिस कर सकते हैं या फिर गले में कैथेटर डाल के डायलिसिस कर सकते हैं।